तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। और देख लीजिए मैं आज आपको सकतपुर की रोड दिखा रहा हूँ। ये सकतपुर की रोड मतलब बहुत ज्यादा चलने वाली रोड है और इस पे देख लीजिए आप कितना बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा यहाँ पर जितने भी लोग गुजरते हैं बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं सकतपुर की रोड की हालत दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर कितनी ज्यादा परेशानी होती होगी लोगों को। लेकिन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये देखिए वाहन कितने ज्यादा डूबते हुए, और अभी बारिश शुरू हुई है दोस्तों, अभी बारिश का आगमन हुआ है और यहाँ पर ये हालत है। आगे जाके यहाँ पर क्या होने वाला है भगवान ही जाने, ये देख लीजिए। तो मेरा नगर पालिका के लोगों से, यहाँ के पार्षद साहब से निवेदन है कि यहाँ के लोगों की थोड़ी सी समस्या दूर की जाए। ये देख सकते हैं कितना ज्यादा गड्ढा पड़ा हुआ है और ये बहुत ज्यादा चलने वाली रोड है। मैं पूछना चाहूंगा सर जी, शुभ नाम बताइए। और यहाँ पर कितनी ज्यादा परेशानी होती है? ज्यादा परेशानी है। कब से ये गड्ढा पड़ा हुआ है? ये हुआ बहुत टाइम हुआ है। कोई सुनवाई नहीं होती? पार्षद साहब नहीं आते के यहाँ पर? सुनते ही नहीं है। सुनते ही नहीं है? कोई मतलब मुरम वगैरह डालने की कोशिश नहीं करते? ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पार्षद साहब करीब 7-8 महीने हो गए हैं नगर पालिका को यहाँ पर आए हुए, गुना की नगर पालिका को जीते हुए। लेकिन देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में वाहन निकलते हैं। देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों को परेशानी महसूस होती है। तो मतलब कह सकते हैं, मैं और पूछना चाहूंगा सर जी, शुभ नाम बताइए। हरे नारायण हो गया। यही रहते हैं आप? कब से ये गड्ढा देख रहे हैं? पानी जिस बरसात शुरू हुई 15-20 रोज होगा तब से ये पानी इसी रिश्ते है। और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती? नगर पालिका नहीं आती? नहीं होती। नंबर वार्ड में आते हैं आप? नंबर 9 वार्ड में आते हैं। कौन है पार्षद साहब? लाला राम लोधा जी हैं। मेरा निवेदन है लाला राम लोधा जी से, देखिए आपको वोट देकर इन्होंने जिताया है और कारण है जिताने का कि आप अच्छी सुविधाएं देंगे, लेकिन देने के नाम पर आप देख सकते हैं गुना की नगर पालिका को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सकतपुर की ये वो रोड है, यहाँ से ये राम टेकरी का रास्ता जाता है दोस्तों, ये वो रास्ता है जो राम टेकरी पर पहुँचाता है। लेकिन देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा यहाँ पर गंदगी, और ये देखिए। तो वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्या सुरेन ब्लॉग को। और ये देख लीजिए बैक कैमरे से आपको सकतपुर का व्यू बता रहा हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों गुना का मौसम बहुत ज्यादा खराब है। ये देख सकते हैं आप, पेट्रोल पंप पे आया हुआ था पेट्रोल भरवाने के लिए, ये मेरे सब्सक्राइबर मिल गए। सर जी शुभ नाम बताइए। सुरेंद्र प्रजापति। कहाँ से हैं? जी कौन है? और मेरी वीडियो को देखते हैं? बिल्कुल। कैसी लगती है? एक नंबर। मतलब कह सकते हैं दोस्तों जहाँ जाता हूँ मेरे फैन मुझे मिल जाते हैं। ये देखिए हनुमान चौराहे के पास में ये पेट्रोल पंप पड़ता है, यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर मिल गए और मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए। ये देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब है, गुना में बहुत तेज बारिश आने वाली है। बहुत बहुत थैंक यू, वीडियो को देखिएगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी शुभ नाम बताइए। जितेंद्र सिंह। और मेरी वीडियो को देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। बहुत ज्यादा धन्यवाद कहूंगा। और कैसी लगती हैं? बहुत सुंदर लगती है। एक नंबर, मतलब कह सकते हैं मेरे जगह जगह फैन हो गए हैं और बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं। ये देख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। में गई थी आपने? अच्छा, में भी आपकी और ये भंडारा हुआ था ना यहाँ पे? जी 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 जी। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। और देख लीजिए आज मैं आपको कहाँ ले आया हूँ, ये वो रोड है, यहाँ से मतलब कह सकते हैं सकतपुर रोड पर आज आपको लेकर आया हूँ। और यहाँ लाने का कारण है एक बहुत ही अच्छी, एक टेलरिंग के मामले में एक दुकान से आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। आइए मैं आपको बैक कैमरे से इस दुकान का पूरा व्यू बताने की कोशिश करता हूँ।
न्यू पेशेंटेलर के नाम से ये पड़ती है। और ये देख सकते हैं, आपको जो भी बनवाना हो यहाँ पर बन जाएगा। ये रेडीमेड का बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने शुरू किया है। सर जी, पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। मेरा राजेश नाम है। और क्या मतलब कब से ये सिलाई का कार्य कर रहे हैं? सिलाई का काम अपना खानदानी काम है, काम अच्छा सच्चा कर लेते हैं। है मतलब कह सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा टाइम से ये सिलाई का काम कर रहे हैं। और अभी इन्होंने एक नया शुरू किया है कि आपको जब भी स्कूल की कॉलेज की ड्रेस बनवाना हो, किसी भी संस्था के कपड़े बनवाना हो, तो ये आपको बहुत ही अच्छी रेट पर आपको कपड़े बना के दे देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर कारीगर बहुत ज्यादा तादाद में लगे हुए हैं। सर जी, शुभ नाम बताइए। और कब से काम कर रहे हैं? चार साल से। मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ के कारीगरों का है। और देख लीजिए, ये अभी नया प्रतिष्ठान खोला है, ये राजेश नामदेव जी हैं। और पहले मार्केट से काम लाते थे, अब इनका खुद का व्यवसाय चल रहा है। और रेडीमेड के काम के मामले में इनका हाथ बहुत 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 बेहतरीन चलता है। ये देख लीजिए, एक स्कूल की वगैरह की किस किस का काम कर देते हैं आप? अभी इस साल दो स्कूलों का काम लिया है, एक सरकारी है एक प्राइवेट है। और क्या कहना चाहेंगे लोगों से, स्कूल की ड्रेस वाले वगैरह से क्या कहना चाहेंगे, क्या सुविधाएं देंगे अगर आपके पास आते हैं तो? सुविधाएं ये है कि अपन मार्केट से जो रेडीमेड ड्रेसें आती हैं उनमें उनसे अच्छा काम करके देंगे, काम फिनिशिंग वाला होगा। मतलब कह सकते हैं दोस्तों, फिनिशिंग का काम होगा और आपको बहुत ही अच्छी सिलाई के मामले। लीजिए दोस्तों, ले आया हूँ मैं आपको सकतपुर रोड पर, ये राजेश नामदेव की दुकान है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा कारीगर लगे हुए हैं। एक कारीगर है जो बहुत ज्यादा परेशान है, हताश है, बहुत ज्यादा दुखी है। इनका दुख मुझसे देखा नहीं गया है, मैं बैक कैमरे से आपको इनके बारे में बताता हूँ। आइए जरा कैमरे के सामने आइए, देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये शर्मा रहे हैं। कारण है, अपनी आपदा को नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं तो समझ जाइएगा। देखिए इनकी बनियान फटी हुई है, इसी से पता चलता है ये बहुत ज्यादा परेशान है। बताइए क्या परेशानी है? देख सकते हैं दोस्तों, बहुत तेज बारिश होती हुई।